किसान भाइयों नमस्कार। आरपी की तकनीकी खेती में आपका स्वागत है। मक्का की फसल एक बहुत उपयोगी फसल है क्योंकि मक्का मनुष्य और पशुओं के आहार का प्रमुख स्रोत है। मक्का औद्योगिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मक्का की खेती भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बहुतायता से उगाई जाती है। मक्का की कुछ प्रजाति खरीफ ऋतु में ही उपयुक्त रहती है तो कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ रबी सीजन में ही उपयुक्त रहती हैं, जिसको किसान भाई दोनों सीजन में उगाकर अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। मक्का की खेती भारत में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में की जाती है। अगर कोई किसान भाई मक्का की खेती करना चाहते हैं तो वे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मक्का की खेती करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो में दी गई है। चलिए मक्का की खेती के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मक्के का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो खाने में या औद्योगिक क्षेत्र में। मक्के की चपाती से लेकर भुट्टे सेंक कर इसका उपयोग किया जाता है। करीब 65% मक्का का उपयोग मुर्गी एवं पशु आहार के रूप में किया जाता है। भुट्टे तोड़ने के बाद बची हुई कड़वी पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। आइए अब इसकी जलवायु के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मक्का की खेती के लिए भूमि का चयन कैसे करेंगे? वैसे तो मक्का की खेती को विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी, जिसमें वायु संचार और पानी निकास की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ इसमें 6 से 7.5 pH मान वाली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। मक्का की खेती के लिए भूमि की तैयारी कैसे करेंगे? मक्के की फसल के लिए खेत की तैयारी जून माह में कर देनी चाहिए। मक्के की फसल के लिए गहरी जुताई करना लाभदायक होता है। खरीफ फसल के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करने के बाद पटा लगा देना चाहिए, जिससे खेत में नमी बनी रहती है। इस तरह से जुताई करने का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की भुरभुरी बनाना होता है। फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी की तैयारी करना उसका प्रथम पड़ाव होता है, जिससे हर फसल को गुजरना होता है। मक्का की फसल के लिए खेत की तैयारी के समय 5 से 8 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डाल देनी चाहिए, और जहां जिंक की कमी हो वहां 25 किलो जिंक सल्फेट वर्षा से पूर्व खेत में डालकर खेती की अच्छी जुताई करें। और रबी के मौसम में आपको खेत को 2 मरतबा जुताई करनी चाहिए। मक्का की बुआई का समय, खरीफ में जो मक्का बुआई होती है वो जून से जुलाई तक, और रबी में अक्टूबर से नवंबर तक, जायद फरवरी से मार्च तक इसकी बुआई होती है। मक्के की उन्नत किस्में, मक्का की किस्में अवधि के आधार पर मक्का की किस्मों का चयन इस प्रकार कर सकते हैं आप। अति शीघ्र पकने वाली किस्म जो 75 दिन से कम का समय लेती है, तो उसमें है जवाहर, मक्का 8, विवेक 4, विवेक 17, विवेक 43, विवेक 42, हाइब्रिड मक्का 1। और शीघ्र पकने वाली किस्में हैं जो 85 दिन से कम का समय लेती हैं, चंद्रमणि प्रताप 3, विकास मक्का 421, और मध्यम अवधि में पकने वाली HM10, HM4, और देरी से पकने वाली किस्में में त्रिशूलता, डेक्कन 101, डेक्कन 103। बहुत ही अच्छी वैरायटियां हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। मक्के के बीज की मात्रा की बात करें तो संकर जातियों का बीज 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और कंपोजिट जातियां हैं तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और हरे चारे के लिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाता है। मक्के की बुआई का तरीका, मक्का की बुआई मेड़ के पूर्वी और पश्चिमी भाग के मेड़ों व ऊपर 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। मक्का की बुआई के लिए प्लांटर का उपयोग करना चाहिए। जवाहर मक्का 12, अमर, आज़ाद, कमल हो जाता है। शीघ्र पकने वाली
किस्मों की कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और हरे चारे के लिए कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। मक्का की खेती के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा कितना देना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मक्का की खेती के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा भी चुनी हुई प्रजाति के अनुसार करनी चाहिए, जिससे फसल की वृद्धि और उत्पादन दोनों को ही फायदा होता है। जैसे मक्का की खेती के लिए प्रयोग की जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा का तीसरा भाग बुआई के समय, दूसरा भाग बुआई के लगभग एक माह बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में और तीसरा और अंतिम भाग नर पुष्पों के निकलने के समय दिया जाता है और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में मिला देना चाहिए, जिससे पौधों की जड़ों से होकर पौधों में पहुंच सके, जिससे मक्का के पौधों की वृद्धि अच्छी होगी। जब आप किसी फसल के लिए खेती की तैयारी कर लेते हैं, यूँ समझिए आपका 50% काम पूरा। शीघ्र पकने वाली प्रजातियों में एनपीके की मात्रा 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश यही आपको देना है। किसान भाइयों, अब जान लेते हैं पौधों को पानी कब देना है। पौधों को प्रारंभिक अवस्था तथा सिल्किंग से दाना बढ़ने की अवस्था पर पर्याप्त नमी आवश्यक। आवश्यकता अनुसार किसान भाई, यदि वर्षा ना हो रही हो तो सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है और सिल्किंग के समय पानी ना मिलने पर दाने कम बनते हैं। वर्षा के बाद खेत से पानी के निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, अन्यथा पौधे पीले पड़कर गिर जाते हैं और उनकी बढ़वार रुक जाती है। किसान भाई, अब जान लेते हैं कि मक्का में फसल सुरक्षा आप कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं। तो पहला कीट लगता है तना छेदक। इस कीट की सुंडियां तनों में छेद करके अंदर ही खाती रहती हैं, जिससे मृत गोप बनता है और हवा चलने पर पौधा बीज से टूट जाता है। इसकी रोकथाम के लिए इमिडा क्लोरप्रिड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और दूसरे कीट है पत्ती लपेटक कीट। इस कीट की सुंडियां पत्ती के दोनों किनारों का रेशम जैसे सूत से लपेटकर अंदर से खाती हैं और इसके लिए क्यूनाल्फास का छिड़काव आप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कीट लगता है टिड्डा। इस कीट के शिशु तथा प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों को खाकर हान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल पैराथियन 10 किलोग्राम का आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद आपके मक्के में एक कीट और लगता है, जिसे कमला कीट कहते हैं और भुंडली कहते हैं। इस कीट की गिडारे पत्तियों को बहुत तेज़ी से खाते हैं और फसल को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। इसके शरीर पर रोएं होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए डाइक्लोरोवास का छिड़काव आप कर देंगे, ये कीट नष्ट हो जाएंगे। अब किसान भाई देखते हैं कि मक्का में कौन कौन से रोग लगते हैं। किसान भाइयों, मक्का में पहला रोग लगता है तुलसीता रोग। इस रोग में पत्तियों पर पीली धारियां पड़ जाती हैं। पत्तियों के नीचे की सतह पर सफ़ेद रुई के समान फफूंदी दिखाई देती है। ये धब्बे बाद में गहरे और लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। रोगी पौधों में भुट्टे कम बनते हैं या बनते ही नहीं। इसकी रोकथाम है जिंक मैंगनीज कार्बामेट का प्रयोग आप कर सकते हैं और किसान भाइयों, मक्का में दूसरा रोग लगता है पत्तियों का झुलसा रोग। इस रोग में पत्तियों पर बड़े लंबे और कुछ अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोग के अधिक होने पर पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं। इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए आप जिनेब का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरा रोग लगता है तना सड़न रोग। यह रोग अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लगता है। इसमें तने की पोरियों पर जलीय धब्बे दिखाई देते हैं, जो शीघ्र ही सड़ने लगते हैं और जिससे दुर्गंध आती है। पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं।
रोग दिखाई देने पर 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अथवा 60 ग्राम एग्रीमाइसिन तथा 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से अधिक लाभ होता है। किसान भाइयों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा।